Hello students, how are you guys? Fine, right, okay. Myself Rohit Malav and I welcome you all on Unacademy Studio Placebo channel. Today we are going to take the second lecture on bar magnet. Yes, magnetic field हमने start कर दिया है और magnetic field के बारे में जानकारी हमने चालू कर दी है. जो new students जुड़े हैं उनको मैं बताता हूँ, मेरा नाम Rohit Malav है. I have done my B.Tech from IIT Roorkee and I have been teaching since 8 years. 8 साल मुझे experience हो चुका है. काफ़ी students, you can see over here, काफ़ी students NEET और AIIMS के लिए मैंने crack करवा दिए, उनको help करवा दिए. तो अब आपकी बारी है, मैं आपको NEET और AIIMS के लिए prepare कर रहा हूँ. जी मेन्स और एडवांस का भी ये जो कंटेंट है ये रिलेवेंट है, आप इसका ध्यान रखना. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं. हम इस पेस पे चलेंगे कि हम टाइम से कोर्स भी ख़त्म कर लेंगे और हम यहाँ पर चीज़ें समझ भी लेंगे. एग्जाम्पल्स इस तरह से पुटअप किए जाएंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे, राइट. चलिए, तो अब यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ना. कई बच्चों की ये कंप्लेंट्स रहती हैं, सर आपसे लिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं. रोहित मालव आप टाइप कर सकते हैं सर्च बार के अंदर अनअकैडमी वेबसाइट के ऊपर एंड यू विल गेट टू नो अबाउट मी वेरी वेल. ओके, तो वहाँ पे जो फ्री लेसन है वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे. लेकिन यूट्यूब की पढ़ाई अलग है, यूट्यूब की पढ़ाई अलग है. अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. फ्री एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन है आपको मिल रहा है. और अनअकैडमी के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताते रहूँगा, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए दैट दीज गाइज आर डूइंग वेरी वेरी गुड थिंग्स. ठीक, चलिए. तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो फिजिक्स के लिए 2 PM टू 3 PM, 12th स्टैंडर्ड एंड 11th का भी कवरेज हो रहा है 8 PM टू 9 PM. इफ़ योर 11th डाउट इज ऑल्सो देयर तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं. ये डेली होने वाला है, ठीक है. डेली अपार्ट फ्रॉम संडे राइट नाउ, तो मंडे टू सैटरडे होने वाले हैं, ठीक है. संडे को जब स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा. नोटिफिकेशंस, यस नोटिफिकेशन से बात याद आई कि टेलीग्राम ऐप यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ऐप का. उससे क्या होगा सर, उसको सब्सक्राइब करने से, उस चैनल के हम बोल सकते हैं लिंक को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे. यूट्यूब क्या होता है, कभी हम चलाते हैं कभी नहीं चलाते, लेकिन टेलीग्राम पर आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इस चैनल पर बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा ओवरऑल है. तो जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ें, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़ें. इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है. नीट और एम्स के लिए ऐसा नहीं है केवल हम फिजिक्स पढ़ कर ही काम चला रहे हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ के, केवल बायो कर पढ़ के. कंप्लीट पैकेज है, ठीक. कंप्लीट पैकेज ही यहाँ पर डिलीवर हो रहा है, कोई हमको आधी अधूरी चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है. तो हम यहाँ पर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं. अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म. इसके ऊपर एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं जो कि कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आती है. प्रीवियस ईयर के पेपर, 1-to-1 इंट्रैक्शंस यहाँ पे हो जाता है आपका मेरे साथ और भी अदर एडुकेटर्स के साथ. वीकली क्विज होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, यानी कि एक पर्सनल लिंक बन जाता है हमारे बीच में. हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. ये जो अभी हमारे लेसन है इसमें भी कंप्लीट कवरेज ऐसा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं DPPs होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होता है. मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी हम क्विज वगैरह सॉल्व करें, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है. डाउट सेशंस हम अपने यूट्यूब पे नहीं ले सकते, राइट, यू नो. तो डाउट सेशन यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग होती है, ठीक है. लैपटॉप के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाता है, आप इसको मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं. मैं लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट करता हूँ और आपके सामने लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं. चलिए, तो और भी एडुकेटर्स यहाँ पर हैं, देखिए अलग अलग कोर्सेज वो रन करते हैं आप लोगों के लिए. और ये टॉप इंडिया के एडुकेटर्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. केवल एक सब्सक्रिप्शन चाहिए और इन सब के केवल एक के नहीं, सब के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे. प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं, ये आप ध्यान रखें. चलिए, तो हम इसमें फ़ी स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं जल्दी से कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम रखा गया. दैट इज़ ओनली 25,000 rupees फॉर 12 मंथ, ठीक. यानी कि पूरे कंप्लीट ईयर का ओनली सर 25,000 रुपये, ठीक है. यहाँ पे तो सर बात करते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 2-3 लाख मांगते हैं, लेकिन ये बस 25,000, ओके. मंथली वाइज भी है, लेकिन मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली एक थिंग होती है कि जब हम बल्क में लेते हैं 12 मंथ का हम पूरा पैकेज लेते हैं तो हमको इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है. चलिए, तो रोहित लाइव कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है. रोहित लाइव कोड अगर आप लगा देंगे तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है मेरी तरफ से, 22,500. तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट ही मान लें, इसको ज़रूर अप्लाई करें आप पेमेंट पेज पर. अगर भूल गए तो फिर आप थोड़े से 2,500 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, पर ऐसा मत करना,
रोहित लाइफ कोड अप्लाई कर देना। राइट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। दिस इज लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड नाम का कोई एक और अलग से फील्ड आ गया है और ऐसे भी पार्टिकल्स दुनिया में मौजूद हैं जिनमें चार्जेस नहीं है तो भी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम बार मैग्नेट से बोलते हैं या फिर मैग्नेट से बोलने लगते हैं। ठीक है, हमको ठीक है ये मैग्नेट से बोलने लगते हैं कि ये मैग्नेट्स हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और जो प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको जो शो करते हैं उसको बोल देते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक चैप्टर हुआ, उसके ये पार्ट हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पार्ट होते हैं। तो मैग्नेट्स के बारे में हमको पढ़ना था, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया, उसको जाना है। चलिए हम देखते हैं एक बार फिर से। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट के अंदर कुछ साउथ पोल नॉर्थ पोल से होते हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लाइन से बता देते हैं, इधर की तरफ, यहाँ से इस तरह से। तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ आती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आप प्रीवियस लेक्चर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देख लें, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, पूरी सारी बात समझाई गई है उसके अंदर। राइट, तो ये जो भी कंटेंट है ये मैंने आपको समझा रखा है वहाँ पर और ये आपको समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। चलिए, तो पोल स्ट्रेंथ भी इसके लिए डिफाइन होता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ डिफाइन होता है। पोल स्ट्रेंथ को अपन लेते हैं सिंबल स्मॉल एम से। और जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बन जाता है ये भी हमको पता है कि भाई एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को ये एक पॉजिटिव पोल की तरह लेते हैं और साउथ पोल को एक नेगेटिव पोल की तरह लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दो पोल बन गए, डाइपोल बन गया। इनके बीच में कोई डिस्टेंस विस्टेंस भी होती है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसको, इस एम को, इस एम को, इस माइनस एम को, इसके मैग्नीट्यूड को बोला गया पोल स्ट्रेंथ। ये जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज होती है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट स्ट्रांग भी होती है, अट्रैक्ट और रिपल्सिव ज़्यादा फोर्सेस कर पाती है। इसी तरीके से पूरी थ्योरी हमने कवरअप कर रखी है। पोल स्ट्रेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमको ध्यान रखना है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक अ चार्ज। जैसे हमको पता है कि डायपोल के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू पढ़ा हुआ है। राइट, माइनस क्यू और प्लस क्यू पढ़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो माइनस एम प्लस एम इज अ मैग्नेटिक डायपोल। राइट, चलिए ये यहाँ पर बता रखा है कि प्लस एम माइनस एम, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको एल एम मैग्नेटिक लेंथ बोल देते हैं। और जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ यानी कि जो एक्चुअल लेंथ होती है बार मैग्नेट की, वो यहाँ पर आपकी ज़्यादा होती है, तो एल एम थोड़ा सा कम होता है, ये हमने बता दिया था कल ही, मतलब कल इन द सेंस के प्रीवियस लेक्चर के अंदर। 0.84 समथिंग ऑफ एल जी होता है, यानी कि पूरी की पूरी ये जो पोल्स हैं ये बिल्कुल एंड में नहीं होते, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, ऐसा हमको पता चला। अब हमको बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक कैपिटल एम वेक्टर होता है, कैपिटल एम वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा है स्मॉल एम इंटू स्मॉल एल। ये जो एल है ये आपको मैग्नेटिक लेंथ ही लेना है, यानी कि नीचे की तरफ एम होना चाहिए। तो एल एम जो होता है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो टोटल लेंथ है आपकी मैग्नेट की, उसको अगर मैं मैग्नेटिक बोल सकते हैं पोल स्ट्रेंथ से, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है, एम वेक्टर मिल जाता है। इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। आपने देखा होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू करके जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा हुआ है तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है पी वैक्टर। बस उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, माइनस एम और प्लस एम, और आपका एम वेक्टर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये आज काम भी आएगा आज के लेक्चर के अंदर। चलिए चालू करते हैं आगे। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आती है, अभी तक हमने बार मैग्नेट के बारे में जाना, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आती है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन इज सच लाइक कि एक जो आपका पोल होता है, एक छोटा सा पोल होता है, वो अपने चारों ओर एक फील्ड फैला के रखता है। जैसे कि एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड फैला के रखता है, उसी तरह से एक पोल अपने चारों ओर एक फील्ड फैला के रखता है। इसके फील्ड को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके फील्ड को बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह की बात की गई है। पर मैग्नेटिक फील्ड की जो बोल सकते हैं हम अलग अलग उसकी बोल सकते हैं कि टर्म्स हैं, वो है, एक है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेम, मैग्नेटिक फील्ड वो एक होता है बी वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं गाइस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको बोल देते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको बोल देते हैं। यानी आपसे कोई पूछता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट दैट पॉइंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है,
जब वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। हाँ, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, राइट? नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये चार पांच टर्म्स से दिमाग में रख लो तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को समझने में ईजी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखा है सब कुछ, और ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन एम, वेयर एम इज द यूनिट, हम बोल सकते हैं एक पोल मान सकते हैं। अगर ये यूनिट पोल हो गया और वो भी पॉजिटिव पोल हो गया तो बी की वैल्यू क्या डिफाइन की जा सकती है, फोर्स के बराबर डिफाइन की जा सकती है। तो सिंपल सी बात यही है कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर वो मैग्नेटिक फोर्स किस पे लग रहा है, एक यूनिटी पे लग रहा है, एक बोल सकते हैं कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर लग रहा है, तो बी विल बी इक्वल टू एम। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर जो M है वो M अगर पॉजिटिव होता है, देखते हैं यहाँ पर अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाना हो, किसी पोल के ऊपर फोर्स लगाना हो, ये हमारा आज का इस्तेमाल होगा इसके अंदर, F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम बी हो जाए। तो मान लेते हैं कि कोई B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर ये M, क्या हमको पता है कि M दो तरह के होते हैं? यस, एक होता है प्लस M और एक होता है माइनस। कई लोगों को बिल्कुल डेजा वो जैसा लग रहा होगा, डेजा वो इज लाइक कि वापस से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सर ऐसा तो कुछ मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है एफ अपॉन क्यू सर। तो इसके अंदर हम F इक्वल टू क्यू ई कई बार लगाया हमने पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर F इक्वल टू क्यू ई हमने कई बार लगा दिया। और ये जो Q होता है सर, ये Q होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव होगा तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से यहाँ पर M क्या है, पॉजिटिव है। क्या है? M पॉजिटिव अगर होता है तो पॉजिटिव पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, क्योंकि आगे प्लस साइन आ रहा है, तो F वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। माइनस एम के बारे में बात करें, तो अगर यहाँ माइनस रख देंगे तो ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द माइनस एम विल बी अपोजिट टू द बी वेक्टर। बहुत आसान है बिल्कुल, हम यहाँ पे जिस तरह से काम किया था, अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस एम के ऊपर किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। माइनस एम के ऊपर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। यस, बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहाँ से इधर की तरफ ले आता हूँ कोई बी वेक्टर, इधर से ले आते हैं, और यहाँ पर कोई है प्लस एम, और यहाँ पर इधर की तरफ है कोई माइनस एम, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर इनके ऊपर फोर्सेस कैसे लगने वाले हैं, तो प्लस एम के ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेंगे जो कि बी का डायरेक्शन है, पर माइनस एम के ऊपर किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यह हमको पता होना चाहिए। चलिए ये चीज़ हम आज यूज़ करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, और अच्छी भी बात है, इंट्रोडक्शन वापस से रिवीजन वापस से होता है तो मज़ा आता है। चलिए, तो हमने सिंगल पोल के लिए बात कर ली थी। सिंगल पोल क्या करता है, एक छोटा सा अगर M होता है, अगर ये मान लेते हैं कि प्लस होता है, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दूर होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, कई लोगों को पहले से ही पता है, अब तो म्यू नॉट आई 4 पाई एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, और ये हो जाता है एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाता है, एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है r दूरी, वो यहाँ पे लेनी पड़ती है, और किसी p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ जस्ट लाइक कि ये कॉन्स्टेंट k, ऑब्वियसली ये मीडियम डिपेंडेंट है, तो म्यू नॉट से आगे म्यू r भी आ जाता है। टोटल अगर b की वैल्यू कोई बोलता है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर। वेक्टर्स में लिखना होगा तो बहुत ही ईजी है, वेक्टर्स के अंदर लिखना है तो आर कैप इसके अंदर लगा देते हैं। तो अगर किसी को वेक्टर में लिखना है कि सर मेरे को तो वेक्टर में लिखना है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको वैक्यूम में ले लूँ, म्यू नॉट 4 पाई, और ये हो जाएगा एम बाय आर स्क्वायर आर कैप। बस अब ये ध्यान रखना है कि एम की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, हमारे जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस अकेले पाए जाते हैं। प्लस क्यू अकेला मिल जाता है, माइनस क्यू अकेला मिल जाता है, लेकिन प्लस एम और माइनस एम अकेले मिल ही नहीं पाते हैं। सही बताएं तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमको थोड़ा सा कम एक्सटेंड करना पड़ेगा चैप्टर में, इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी भी ये दे रखी। तो हमको प्लस एम के अलग से एनालिसिस या माइनस एम का अलग से एनालिसिस नहीं करना है, इनको इकट्ठा एनालिसिस करना है। और जब ये इकट्ठे होते हैं, एक है माइनस एम और एक है प्लस एम, तो ये बार मैग्नेट ही होता है। तो अब हमको नेक्स्ट बार मैग्नेट ही देखना है, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि प्लस एम की प्रॉपर्टी हम ये लेकर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर होता है, और अगर माइनस एम कहीं मिल जाता है तो माइनस एम के लिए बोल सकते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी तरफ होता है। इकट्ठा जब होगा तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब आने वाला है ड्यू टू बार मैग्नेट। अब आप यहाँ पर पेन और कॉपी उठा लें,
ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे वर्क करना पड़ेगा। तो ड्यू टू बार मैग्नेट हम यहाँ पर बात करते हैं कि बार मैग्नेट होता क्या है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो दो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर होता है, पहला होता है एक्सिस पर और दूसरा होता है इसके इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सिस के बारे में बता देता हूं आपको। चलिए ठीक, तो ये बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट ये रहा, ये रहा बार मैग्नेट। ठीक, यहां पर हम बोल देंगे माइनस एम है, यहां पर हम बोल देंगे प्लस एम है। ठीक, साथ में लिखते जाओ। और ये जो इसके इधर इसके सामने ये वाली जो होती है ना, ये वाली जो आगे की तरफ एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। और इससे परपेंडिकुलर जो होती है ना, बिल्कुल बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं अपन इक्विटोरियल एक्सिस, उसको हम बाद में बताएंगे। दिस इज एक्सिस ऑफ मैग्नेट और वी कैन से डाइपोल। ठीक, सिंपल से बात। अब इनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, या तो मैं एल ले लेता हूँ या फिर उसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त भी डाइपोल के अंदर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जैसे ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए दूरी है। तो जो टोटल लेंथ हो गई ना, टोटल लेंथ जो हो चुकी है, यहाँ पर बोला जा सकता है जो टोटल लेंथ हो चुकी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। या फिर इसको हम साइड में लिखते हैं, बेटर रहेगा। एल इज इक्वल्स टू 2 है। कोई हमसे पूछेगा कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम क्या होता है? कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर कोई हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पूछ लेगा तो हम बोलेंगे कि ये तो एम इंटू एल है भाई, और एल की वैल्यू 2A है। तो कहीं पे भी मुझे 2MA नज़र आ गया, क्या मुझे नज़र आ गया, 2MA नज़र आ गया, तो मैं उसको कैपिटल एम लिख दूंगा। कैपिटल एम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए ये शुरू करते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये बोलेगा अरे मैं तो प्लस एम हूँ, मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड ही लेकर आता हूँ। भैया ठीक है, तुम प्लस एम हो, तुम्हारी दूरी कितनी है ये बताओ। तो असल में सेंटर से दूरी ले ली जाती है आर। कहाँ से ली जाती है बोलो? सेंटर से दूरी आर ले ली जाती है। तो प्लस एम बोलता है कि भाई मैं तो सेंटर पे नहीं हूँ, मैं तो साइड में हूँ, और मेरी जो दूरी आप लोगे वो आर में से ए घटा देना, यानी कि कितनी दूरी लोगे, आर माइनस ए ले लेना। ठीक है भाई, ले ली। ओके, जो प्लस एम है ये बोलेगा मुझसे दूर ले जाना, मेरी नज़रों से दूर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड को। उस मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं कि बी वन मान लिया। ठीक, माइनस एम बोलेगा कि मेरी तरफ लेकर आना, और उसको बोल देना बी टू। बताओ कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस बात है कि जिसकी दूरी कम होगी वो ज़्यादा होगा, और जिसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट बी इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जब आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू कम है, अगर दूरी कम है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिजल्टेंट आएगा, और उसको हम बोल सकते हैं बी रिजल्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 - b2। और वो किस डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए, माइनस एम से प्लस एम वाला ही डायरेक्शन क्या होता है, कैपिटल एम। चलिए ड्रॉ द डायग्राम। छोटे वाले की जो दूरी है ना, प्लस एम वाले की जो दूरी है वो आर माइनस ए है। अब कोई पूछे कि सर ये माइनस एम की दूरी भी तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो आर पहले से ही, अब ये ए छोटा सा उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये दूरी कितनी हो जाने वाली है, आर प्लस ए। ठीक, आराम से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बस यहाँ पर B1 और B2 लिखेंगे, B1 और B2 की वैल्यू को आपस में माइनस कर देंगे और हमारे सामने आंसर आने लगेगा। एक चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखें कि हम ये जो R की वैल्यू होती है इसकी बोल सकते हैं डायपोल की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। ठीक, तो बार मैग्नेट के अंदर हम क्या लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं R, उसकी वैल्यू A से काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर A की वैल्यू बहुत कम होती है R से, इसका हम अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे। आपने डायग्राम बना लिया होगा जी, आगे देखते हैं। तो हमारे पास था इधर की तरफ माइनस एम और इधर की तरफ था प्लस एम, और इन दोनों से ही हमको दूरी पता लग चुकी थी। ठीक है, इससे जो दूरी थी वो थी आर माइनस ए, और इससे जो दूरी थी वो थी आर प्लस ए।
राइट। अब हमको ये बी वन की वैल्यू पता लग जाएगी, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, और एम अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में लिखना है प्लस एम के हिसाब से, ठीक। और बी टू में माइनस मन डाल देना यहाँ पर, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बाद इधर माइनस एम मन डाल देना, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, एम अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से बात हो जाएगी। अब बी वन माइनस बी टू को कर देंगे ताकि हम यहाँ पर बी रिजल्टेंट निकाल पाएँ, तो बी रिजल्टेंट इज नथिंग बट बी वन माइनस बी टू, जो कि आपको बता दिया था मैंने। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, इसको माइनस करेंगे तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाने वाला है, ले लेते हैं फटाफट, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, ठीक। अब बी वन ऑब्वियसली बड़ा है, बी टू छोटा है, तो 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर फटाफट लिखते हैं, और माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अगर कोई बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहा है, ठीक है, ट्वेल्थ वाला बच्चा, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रख लें। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए नीट और एम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस के लिए भी है। चलिए, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर ले लिया जाएगा क्या कि इसका हमने ले लिया एलसीएम, तो ये एलसीएम हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा, उसको ओपन कर देते हैं तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, राइट, माइनस, और ये वाला जब उधर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी मुझे लगता है, बहुत आसान है। चलिए एक ब्लैक पेन ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ी अलग सी फीलिंग आए। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, गौर से देख रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2ar और ये भी 2ar, यानी हो जाएगा 4ar, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इधर की तरफ m, और फिर ऊपर की तरफ आ जाने वाला है कितना, 2ar 4ar, राइट, और नीचे की तरफ r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो r माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि r की वैल्यू हमने काफ़ी ज़्यादा ली है a से, तो हम यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं, और उसकी वजह से, ठीक है, r माइनस ए को लगभग हम r मानने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, और r प्लस ए को यहाँ पर हम लगभग r मान रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। ध्यान से देखना, पॉइंट नोट करना यहाँ पर कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये तभी ले रहे हैं जब r की वैल्यू ज़्यादा है। एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जब r की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको r माइनस ए और r प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और उसका क्या लेना पड़ेगा, हम इस तरीके से ब्रैकेट का उसका होल स्क्वायर, ठीक। अब ये r माइनस ए और r प्लस ए को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, या फिर यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर कोई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बारे में बोलता है तो उसको भी लगभग हम r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, r के पावर 4 आ जाएगा, ये चीज़ आपने नोट कर ही ली होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, और बोलो, ठीक है, कितना, 4ar ऊपर की तरफ, 4ar ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ r की पावर 4, यहाँ से जब एक r से r कटेगा तो हमारे पास बचेगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ठीक है, और ये 4ar में से एक r कटेगा तो इधर आ जाएगा 4a और नीचे की तरफ आ जाएगा अपने r की पावर 3, यस, इस तरीके से बन जाएंगे। चलिए अब ये जो 4a है इसको मैं 2a इंटू ए लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि m इंटू 4a को कुछ लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए 2ma को, है ना, 2ma को कैपिटल M लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4ma आ रहा है तो उसको डबल लिख सकते हैं, राइट, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, मैं इसको 2 को अलग लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग लेता हूँ, और 2 जो और बचा होगा 2ma को साथ में लेते हैं और नीचे की तरफ r क्यूब। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये है 2, ये है k, और ये जो 2ma है, ये 2ma को हम क्या लिख सकते हैं, 2ma को हम लिख सकते हैं कैपिटल M। इस तरह से इसकी शक्ल कैसी बन जाती है, इसकी शक्ल बन जाती है 2 k टाइम्स भी बोल सकते हैं, या फिर केवल कॉन्स्टेंट ही लिख दो आप 4 पाई। यहाँ से 2 से 2 मत काटना, याद रखने से ईजी रहेगा, किस तरह से याद रखेंगे वो भी मैं बताऊँगा।
और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम और नीचे की तरफ हो जाएगा आर क्यूब. इट इज़ जस्ट लाइक डाइपोल या 2kp/r³. आपको पता है 2kp/r³ क्या होता है? 2kp/r³, ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें, माइनस क्यू होता है प्लस क्यू होता है, ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ लिया होगा तो ही ये चीज़ समझ में आई. और इसके एक्सिस पर यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp/r³. कितनी होती है? 2kp/r³ होती है. तो सिंपल सी बात है कि जैसे 2 आता है यहाँ पर भी 2 आ रहा है. यहाँ पर जो k होता है वो अलग तरीके का k होता है. यहाँ का जो k होता है बड़ा फेमस k बन चुका है, μ0/4π. यहाँ पर p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर हो जाएगा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या केवल मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं. नीचे की तरफ इसमें भी आता है r³ और इसमें भी आता है r³. यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो मुझे बार मैग्नेट आता है. अगर मुझे बार मैग्नेट आता है तो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है. तो 2kp/r³ या 2kp/r³, इसको भी 2kp/r³ जैसा लिख सकते हो. बस सर p की जगह पर m लिखना है और k की जगह पर μ0/4π लिखना है, ठीक है. इसको मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2kp/r³. बस यहाँ पर k की जगह पर लिखना है μ0/4π, ओके. और p की जगह पर लिखना है m. p को रिप्लेस कर देंगे m से तो हमारा काम बन जाएगा. हमको बड़ा आसानी होगा याद करने को, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ये चीज़ें देखी कि उसकी एक्सिस पर 2kp/r³ होता है. ओनली इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a. ये अप्रोक्सीमेशन तो लगा है, यहाँ पर ध्यान रखें. अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत है, लेकिन कभी ना कभी तो लगाना पड़ सकता है, ओके. और यहाँ पर जैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे बहुत ही इजी फॉर्मूला हो गया. एंड दिस इजी फॉर्मूला इज नथिंग बट 2kp/r³ टाइम. हम इसको याद कर सकते हैं. k की वैल्यू को μ0/4π लिखना है और p की वैल्यू को हम m के टर्म्स में लिख देंगे. m इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओ तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिर तो डायरेक्शन वगैरह साथ भी करना पड़ेगा. यस, मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो हम अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ में रखते हैं और ये वेक्टर के रूप में रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है. मैं आपको ये बता दूँ, जो हमने ये सारे काम किए हैं आपको दिख ही रहा है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट में, और एम वेक्टर भी किधर आ रहा है, राइट. यानी कि एम वेक्टर और बी वेक्टर जो होते हैं, ये एम वेक्टर और बी वेक्टर जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में. तो फाइनली मेरे पास आ गया है b. अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा कुछ भी नहीं है, 2k, k बताओ कितना, μ0/4π, p की जगह पर m और r³, ये रहा m वेक्टर लिखना है बस. और कुछ नहीं करना सर, और कोई वेक्टर आ गया, r³ नहीं करना. नहीं करना, क्यों करना है, क्योंकि b भी एक वेक्टर है, m भी एक वेक्टर है. m को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, b को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये काम हो गया हमारा. ये है कहाँ पर, बार मैग्नेट की वजह से ऑन जल्दी बोल दो, ऑन इट्स एक्सेस पर, ठीक है. तो सर इक्वेटोरियल एक्सेस पर भी वैसा रिजल्ट आने वाला है जैसे इलेक्ट्रिक में आने वाला है, बिल्कुल सही समझे. उसी के बारे में अब हमको जानकारी लेनी है. तो आप यहाँ पे नोट कर लें कि 2kp/r³ जैसा आता है तो 2k की जगह μ0/4π m/r³, इस तरह से इसको देखा जाता है. चलिए इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है. अब हम लेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इक्वेटोरियल एक्सिस कहाँ पर होती है, ये है आपका इधर प्लस m, ठीक, और इसको इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं माइनस m और इधर ले लेते हैं प्लस m. इनके बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, इससे यहाँ से ये वाली लाइन, ठीक है, सही नहीं बनी, यहाँ से ये वाली लाइन जो है, ओके, इनके बीच में ये दूरी a और ये दूरी a हो जाए. यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, कितना होगा. तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से सेंटर से r दूरी पर लेना है. माइनस m से कुछ डिस्टेंस होगी, प्लस m से कुछ डिस्टेंस होगी. माइनस एम बोलेगा कि सर मेरी तरफ आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ. सर प्लस एम से जो है मैग्नेटिक फील्ड मुझसे दूर जाना चाहिए, ठीक है भाई तुमसे दूर ले लेते हैं.
ठीक, दूर ले लिए। और बोलो भाई क्या बोलना चाहते हो? कि सर इनके दोनों के कंपोनेंट ले लो। ठीक है भाई, दोनों के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है आप ये देख सकते हैं, जिस तरीके से एंगल ये बनेगा थीटा, उसी तरीके से ये एंगल थीटा बनेगा, राइट। और ये थीटा बनेगा तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये अगर एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। सिंपल सी बात, सर ये भी तो बी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम नजर आ रही है। तो सर ऊपर वाला जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, और इसका जो इधर की तरफ आएगा बी कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। यहाँ पर जो बी कॉस थीटा आएगा, ये बी कॉस थीटा कट जाएगा, और इधर वाले जो दोनों कंपोनेंट हैं बी साइन थीटा वो जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएगा ये? टू बी साइन थीटा। ये आप नोट कर लो, ठीक। माइनस एम और प्लस एम यहाँ पर दे रखे हैं, माइनस एम प्लस एम। माइनस एम बोलेगा मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस एम बोलेगा मुझसे दूर मैग्नेटिक फील्ड ले जाओ। बी कॉस थीटा ऊपर ले लिया, थीटा कौन कौन से लिए वो आपको पता लग ही रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी और सेंटर से आठ दूरी बना लेना। ये बी का इधर के कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा बी साइन थीटा, तो टू बी साइन थीटा इधर की तरफ आ जाएगा। नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हम बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों को तो काट दिया, यानी कि सर यहाँ पे डायरेक्शन तो पहले देख सकते हैं, बिल्कुल माइनस एम से प्लस एम का होता है कैपिटल एम वेक्टर का डायरेक्शन, और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का उससे अपोजिट में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था बी वेक्टर और यहाँ एम वेक्टर, यहाँ पे सारा आगे पॉजिटिव था, अब उसके आगे कोई नेगेटिव टर्म लगाना पड़ेगा तब जाके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एम वेक्टर और बी वेक्टर तो यहाँ पे अपोजिट में है। कभी कभी ये ही पूछ लिया जाता है कि इक्विटोरियल पॉइंट्स पर, इक्विटोरियल पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? तो वो एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और क्या वो एक्सिस के पैरेलल होता है? यस, ये जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर नहीं होता है, राइट। तो दिस इज पैरेलल टू एक्सिस, ओके, पैरेलल टू एक्सिस एंड अपोजिट टू एम वेक्टर, है ना, एंड अपोजिट अपोजिट टू एम वेक्टर। ये सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, पर्टिकुलरली नीट में, एम्स में इस तरह से पूछा जा। चलिए अब हम जिंदगी में बचाए क्या है, टू बी साइन थीटा निकालने, बी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, अब ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। बी की वैल्यू हम पहले निकाल देते हैं, सर बी होता ही क्या है, एक बोल सकते हैं पोल की वजह से, या तो माइनस एम की या एम की वजह से, सर फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, एम अपॉन आर स्क्वायर जो दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ना वो दूरी आर नहीं है, ठीक है, ये दूरी अगर मैं डी ले लूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, राइट, ऐसा बन जाए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये वाली दूरी को मैं क्या ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ, ठीक, ये वाली दूरी भी डी होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर यानी दूरी का डी का स्क्वायर ले लिया। चलिए और क्या मैं डी निकाल सकता हूँ वक्त आने पर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ट्राइंगल तो आपको दिख ही रहा है, तो ये ट्राइंगल तो आपको दिख ही रहा है कि ये है ए, ये है डी, ये है आर और ये है थीटा। अगर हमको कॉस थीटा निकालने की जरूरत, कॉस थीटा नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई डी हो जाएगा, है ना, बस। तो हमारे पास जो टोटल है वो है टू बी साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी जो टोटल आने वाला है, जो रिजल्टेंट आने वाला है वो है टू बी साइन थीटा, और यहाँ पर बी की वैल्यू चिपका दी जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और एम बाय डी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू चिपका दी जाएगी ए बाय डी, हो गया काम। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बनती जा रही है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 2, एम ए को साथ में ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा स्टाइल में लिख लेते हैं, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो हमारा के बनता है, जो कांस्टेंट बनता है, उसको हमने अलग से लिख लिया, 2 एम ए को साथ में लिख लिया, 2 एम ए को साथ में लिख लिया, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू डी हो गया कितना, डी क्यू, दैट्स इट, सिंपल। तो 2ma क्या हो गया यार सर, ये तो फिर से वही कैपिटल M बन गया, बिल्कुल सही समझे, तो ये है आपका वो k कांस्टेंट, ये जो है कैपिटल M बन गया और ये dq, तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका k जैसा और
एम जैसा, जिसको हम पी जैसा भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं ड्यू टू डाइपोल, तो ऐसा लिखा जा सकता है। पर इसको तरीके से ही लिख लेते हैं अपन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कैपिटल एम बाय डी क्यूब, ठीक। सिंपल सी बात है, के पी बाय आर क्यूब जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, के पी बाय आर क्यूब से। के पी बाय आर क्यूब कहाँ पर आता है, के क्यूब, के पी बाय आर क्यूब जो आता है वो आता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर आता है डाइपोल पी वैक्टर और इसकी इक्विटोरियल एक्सिस ये होती है, इसके अंदर ई वैक्टर आता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो आपके चार्जेस हैं उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके बोल सकते हैं जो पोल्स हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक बार मैग्नेट्स जो होती हैं, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके अपोजिट आता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के पी बाय आर क्यूब, ठीक, यहाँ से यहाँ। अच्छा, यहाँ पर डी है, अभी हमको डी को भी रिप्लेस करना बाकी है। और डी को अगर हम देखते हैं तो डी कितना हो जाता है, डी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन फिर से वही वाली बात, ए को हमको इतना छोटा मानना है कि वो आर के बराबर ही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी क्यूब की जगह पर आर क्यूब ही आने वाला है। ए इज़ वेरी 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 लेस देन आर, तो डी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर हो जाए, या फिर डी को हम अप्रोक्सीमेटली, और वी कैन से डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो जहाँ पर हमको डी दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम आर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो कुछ इस तरह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कैपिटल एम बाय आर क्यूब बन जाने वाला है, राइट। सही है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांस्टेंट है, इधर एम की जगह पे पी आ जाए बाय आर क्यूब, बिल्कुल के पी बाय आर क्यूब। क्या आपको पता है पी वेक्टर अगर राइट में होगा तो ई वेक्टर अगर लेफ्ट में होता है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। ई वेक्टर और पी वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बीच में आता है माइनस। उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को देख लेंगे, तो यहाँ पर है आपका माइनस एम, यहाँ पर है प्लस एम। आप अगर साथ में भी लिखते जाते हैं अच्छी बात है, अगर कुछ चीज़ छूट जाती है जल्दी से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, एक बार फिर से वीडियो देख सकें, ठीक। क्योंकि हमको ऑब्वियसली कोर्स टाइम से भी कवरअप करना है, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड से हम यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चल रहे हैं। माइनस एम प्लस एम यहाँ पर आ जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड फटाफट देख लें इधर पीछे की तरफ आया था और माइनस से प्लस की तरफ कैपिटल एम आगे की तरफ आया। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में एम वेक्टर आ तो रहा है लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए पूरा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर क्यूब नहीं लिख सकते हैं, अपन को आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा ताकि डायरेक्शंस का पता चल जाए। तो इस तरह से हमने काम कर लिया है, एक तो हमने देख लिया एक्सिस पर जो कि होता है 2kp बाय आर क्यूब जैसा, और हमने देख लिया है इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो कि होता है के पी बाय आर क्यूब जैसा, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज लाइक पी वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर एंड अपॉन आर क्यूब। तो वहाँ पर होता है पी वेक्टर कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, नथिंग बिग डील अबाउट इट। चलिए ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ शॉर्ट मैग्नेट, ठीक है, शॉर्ट मैग्नेट हमने यहाँ पर ले ली, ठीक, शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M2, एक कोई M2 की है, ठीक है, M2 ये छोटी सी मैग्नेट है, इसका डाइपोल मूवमेंट M2 है, ड्यू टू अनादर शॉर्ट मैग्नेट, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M1, ठीक, ये M1। तो किसी को आंसर डायरेक्ट याद करना है, ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है नीट एम्स जेई मेन्स के अंदर, आप ये आंसर याद रख लें, ठीक है। कितना आता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो वही k कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 6 k m1 m2 बाय r की पावर 4। इवन ये तक पूछा जा सकता है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, f प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं होगा, हर जगह 1/r² नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ होता है। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो 6 m1 m2 के आएगा, ठीक है, आगे 6 का फैक्टर आप ध्यान रख लें, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 तो है लेकिन 6 M1 M2 याद रखो ताकि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए। अब सिंपल सी बात है, अब जैसे ही इक्वल टू करोगे कांस्टेंट आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के अंदर कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको आंसर याद करना था, पर क्वेश्चंस निकालते कैसे, इस तरह से सर काम करेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर है देखो माइनस एम और यहाँ पर है आपका प्लस एम, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले प्लस एम और इस वाले माइनस एम
के ऊपर इनके द्वारा इंडिविजुअली फोर्सेस निकाल सकते हैं। ठीक, इनके बीच में जो आर दूरी है वो आर दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये जरूर लिख लेना, आर इज वेरी लार्ज, ठीक है, या लार्ज, ओके। अगर इनके बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो ये फोर्स यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो माइनस एम से प्लस एम, माइनस एम को माइनस एम से प्लस एम को, प्लस एम से प्लस एम को माइनस एम से कर सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। एक एक इसका छोटा सा तरीका होता है, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मैं बताने को तैयार हूँ, ठीक है, सीखेंगे। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। अभी अभी हमने ये देखा है, सॉरी, अभी अभी हमने ये देखा है कि एक एक बार मैग्नेट की वजह से, है ना, इसको ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सेस पर क्या किया जा सकता है, आप एक मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं और उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इस आर के हिसाब से चेंज होती जाती है। अभी अभी हमने देखा 2 कितना के बोलो P बाय आर क्यूब की जगह पे वो हो जाता है M बाय आर क्यूब। मैं इसी तरह से चलूँगा, ठीक, आपको भी इस तरह से याद रखना चाहिए ताकि हमको कभी भी नहीं भूलना। सिंपल सी बात है, मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको अभी पढ़ लें तो आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद भी नहीं भूलें, भाई वापस वही चीज़ पढ़नी पड़ जाए बार बार, तुम्हें क्या मतलब है? वो बायो और केमिस्ट्री के लिए रहने दो, फिजिक्स ऐसा है कि फिजिक्स एक बार पढ़ लिया उसके ऊपर सर मैंने एग्जाम्पल्स कर लिए, मुझे चीज़ें याद रहती हैं, वेरी गुड। और टेस्ट से पहले कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो, बल्कि आपके अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज जो होती है उसके अंदर आपको रिवीजन करके ही बैठना चाहिए। तो बी इज इक्वल्स टू 2 KP/R³ जैसे यहाँ पर हो गया। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्सेस लग सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है माइनस एम और यहाँ बैठा हुआ है प्लस एम, और वो भी कौन सा वाला, कोई एम टू वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दूरी L ले लेते हैं, लेकिन ये L ऑब्वियसली इन्होंने बोला है कि शॉर्ट मैग्नेट है तो छोटी सी मैग्नेट है, तो उसको छोटी सी बोल सकते हैं कि मैग्नेट को हम छोटा सा DL ले सकते हैं, इस तरीके का हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा था कि एक मैग्नेट आप यहाँ मान लो, वो मैग्नेट थी M1 वाली, इसकी वजह से यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 बोल दूं तो वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, फटाफट लिख लो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, 2 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वो M1 बाय R³ बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या रखिए, एक छोटी सी मैग्नेट और है, ये यहाँ पर है कोई माइनस एम वाला या प्लस एम वाला, और यहाँ पर है कोई माइनस एम वाला, ठीक है, इधर की तरफ प्लस एम था और इधर की तरफ आपके माइनस एम था, ठीक है, इधर प्लस एम है इधर माइनस एम। चलिए, तो यहाँ पर जो बैठे हुए उनको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अरे आजा, ठीक, इस प्लस एम को क्या होगा, आगे की तरफ होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, आज ही सीखा है कि प्लस एम के ऊपर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और माइनस एम के ऊपर होगा पीछे की तरफ। दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, और दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है वो छोटे से डिफरेंस को हम बोल लेते हैं कि डी एल का डिफरेंस है, या फिर इवन लिखा जा सकता है सर डी आर ले लो, क्योंकि हम आर को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी थी आर, और हमने कितना चेंज किया डी आर। अब इनके ऊपर जो भी फोर्सेज होंगे, इसके ऊपर F1 होगा, इसमें F2 होगा, उसमें छोटा सा बोल सकते हैं डिफरेंस होने वाला है, और वो डिफरेंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस प्लस एम के ऊपर होगा M into B1, ठीक है, और इस माइनस एम के ऊपर होगा B1 चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो B1 में कितना चेंज हुआ होगा उसको हम मान लेते हैं DB, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर है कोई F1 और यहाँ पर है कोई F2, इनके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मिल गया, तो टोटल फोर्स मिल गया, तो ये रहा रिजल्टेंट फोर्स F = F1 - F2। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये साइंस है पूरी, ठीक। एक बार आपने आंसर तो याद कर ही लिया है, फटाफट सॉल्यूशन भी देख लो, F1 - F2। अब सिंपल सी बात है, देखो F1 ये है M और यहाँ पर कोई B1 है, ठीक, और ये है आपका M, माइनस क्यों लिखा, ठीक है, वो हमको पता है, यहाँ पर माइनस है और ये भी तो M ही है, तो डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर तो देख ही लिया, और F1 - F2 लिख रहे हैं तो अलग से माइनस मत लगा देना, फोर्स ऑब्वियसली ऐड नहीं हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं है, बीच में माइनस आएगा ही सही, तो M into B1 माइनस ऑफ माइनस मत कर देना,
ठीक है, गलती हो जाएगी। और ये कोई बी वन डैश होगा, क्योंकि अगर मैं आर दूरी को डी आर पर ले जाऊँ कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। इसमें से अगर मैं एम कॉमन ले लूँ तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बी वन माइनस बी वन डैश जैसा है, यानी कि कोई छोटा सा चेंज हुआ होगा, छोटा सा चेंज हुआ होगा किस में, बी वन में। तो हमारे पास जो फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, छोटा सा एम, छोटा सा एम, और ये कोई डी बी वन। अब ये डी बी वन निकाला जा सकता है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बी वन बटे डी आर, आर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, टू तो रहेगा ही सही, फटाफट लिख लो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और एम वन भी होगा, ठीक। वन अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आता है आपको, वन अपॉन आर क्यूब, वन अपॉन आर क्यूब को पहले तो लिखेंगे आर की पावर माइनस थ्री, फिर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री नीचे उतरेगा, माइनस थ्री नीचे उतरेगा, और ये कितना बन जाएगा, आर की पावर माइनस फोर बन जाएगा, राइट, ठीक। तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस थ्री अपॉन आर की पावर फोर। कई लोगों को तो फैक्टर्स भी समझ में आने लगे होंगे, माइनस थ्री अपॉन आर की पावर फोर, फैक्टर समझ में आने लगेंगे, मतलब देखो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा, नीचे आर की पावर फोर आ चुका है, देखो ये रहा, ये सिक्स क्यों आया था, ये सिक्स, और ये आर की पावर फोर क्यों आया था, ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास डी बी वन बाय डी आर है, ओके। और ये जो एम है, इस एम है, इस एम को डी आर और डी आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डी आर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डी आर से डिवाइड भी कर देते हैं। तो डी बी वन बाय डी आर को यहाँ से ले लेंगे, और ये जो m इंटू डी आर होगा, ठीक है, ये जो m इंटू डी आर होगा ये कितना होगा अपना, ठीक है, ये यहाँ पर m है और इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ और इसके m को मल्टीप्लाई करने पे कैपिटल m मिलता है, वो कैपिटल m अगर m2 है तो उसको m2 लिख देंगे, तो m और dr को हम लिखने वाले हैं m2, ओके। और db बी बाई डी आर, डी बी बाई डी आर यहाँ पर ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है, ये म्यू नॉट है, ठीक है। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 माइनस 3 अपॉन r की पावर 4, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस तो डायरेक्शन देगा, उसको बाद में देखेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स, देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, राइट, और इधर है एम वन, इधर है एम टू, इधर ये एम इंटू डी आर एम टू के बराबर आया था, तो ये हो गया एम वन, ये हो गया एम टू, ये दोनों आ गए, ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड है इससे, ठीक। और नीचे की तरफ कितना है, आर के पावर फोर, हैंस प्रूफ। तो मैंने क्या किया असल में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा, उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बदलाव आया होगा तभी इनके ऊपर फोर्स अलग अलग लगेगा, इनके ऊपर जो फोर्स अलग अलग लगा उसको माइनस करके बोला कि जो भी बदलाव आया होगा बी के अंदर वो हो गया आपका डी बी, डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर से डिवाइड किया, डी बी बाई डी आर की जरूरत पड़ रही थी ज़िंदगी में, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो किस तरीके से काम किया ये आपके सामने मौजूद है, फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, कई लोगों को क्या होता है कि ये चीज़ नोट नहीं की जाती ना, तो वो मोबाइल में देख रहे होते हैं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका होता है, ठीक, कई बार गेस्चर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये तीन तीन जो उंगलियां हैं इसको ऐसे कर लिया तो पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन उसके पास आ गया, ये भी एक बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी है नोट करने की, पर चलिए ठीक है। और लैपटॉप के अंदर भी बोल सकते हैं कि आपको प्रिंट स्क्रीन करना आता होगा तो उससे भी आप अपने सॉल्यूशंस को नोट कर सकते हैं, चलिए इस तरह से काम हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल्स तो लेना ही है हमको, ठीक। अब मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 120 सीजीएस, कोई यूनिट्स दे दिए हमको और हमको बोल दिया कि 1 सीजीएस यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ है 0.1 एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर तो ऐसा यूनिट हो गई नहीं, ये तो ऐसा यूनिट हो गई, और 1 सीजीएस यूनिट होती है 0.1, तो 120 कितनी होगी, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं यार, क्या, ठीक है, 120 सीजीएस यूनिट कितनी होगी, 120 इंटू 1 सीजीएस, 1 सीजीएस 1 सीजीएस 1 सीजीएस 0.1 होता है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया और एम्पियर मीटर में लिख दिया, सिंपल, ठीक, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 एम्पियर मीटर, ठीक है। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट भी आपको पता लग रही है कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट जो स्मॉल एम की यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर के अंदर होती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है टेस्ला में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को किस में लेते हैं अपन, टेस्ला के अंदर लेते हैं ऐसा यूनिट। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताओ, मैग्नेट 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है कि ए को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिया, ठीक है, अगर कोई बनाना चाहे तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से आपने कुछ ज़्यादा दूरी नहीं ली है, आपने केवल 20 सेंटीमीटर ली है, कितनी ली है,
20 सेंटीमीटर और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब नहीं काम आएगा। क्यों काम नहीं आएगा सर ये? क्योंकि आपने डिस्टेंस ए से काफ़ी ज़्यादा नहीं ली है, और अगर आपने डिस्टेंस ए से काफ़ी ज़्यादा नहीं ली है यहाँ पर इससे पहले, ठीक है मिटा दिया शायद मैंने, लेकिन मैं आपको वापस याद दिला सकता हूँ। ठीक है, इधर इसी जगह पर मैंने आपको बताया था, किस तरह से बताया था वो बताया था। चलिए, तो हमने असल में लिखा था ये बी वन माइनस बी टू लिखा था, बी वन माइनस बी टू जल्दी से देखते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई उसमें से कॉमन आ गया था, ठीक, और एम को कॉमन ले लिया था और एक टू को इधर की तरफ ले लिया था। फिर यहाँ पर आपका जो बचा था, ठीक है, इस एम को भी हटा दूँ तो यहाँ पर बचा था आपका एक कैपिटल एम आया था, और अपॉन, ठीक है, हमने यहाँ पर जो दूरी ली थी, ठीक है, वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लेना पड़ गया था, ठीक है। और यहाँ पर पूरा अच्छे से याद दिलाएं तो ये टू और ये टू हटाओ, यहाँ पर आया था फोर एम ए, ठीक है, फोर ए आया था, बल्कि फोर ए इंटू आर आया था और यहाँ पर एम आया था। चेक करके देखो, तो यहाँ पर आर की पावर फोर आया था, एक आर से आर कट गया था, आर क्यूब आ गया था। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा हमको, क्योंकि ये इस आर को हम नेगलेक्ट, सॉरी ए को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो क्रॉस कर दो, ठीक है, ये 12 एम्पियर मीटर है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई, यानी कि हमको पता है कि स्मॉल एम की वैल्यू क्या लेनी है, 12 एम्पियर मीटर, ठीक है। बी का वैल्यू क्या लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम, और 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लगा के देख लेना। ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू अपन ऐसे लेते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू लिखोगे आप 0.05, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये है आपके ए की वैल्यू 0.2 मीटर के अंदर। ए पता आर पता यहाँ पे रखना पड़ेगा, एम की वैल्यू ये पता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके देखना। तो हमने वो वाला क्वेश्चन भी कर लिया जिसके अंदर अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा था, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं, दैट इज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन अ डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है, ये डायरेक्शन वाला पार्ट अपन को नेक्स्ट क्लास में लेना है, पर ये एक्चुअली क्वेश्चन कैसे करना होगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इधर की तरफ आपका एक हम बोल सकते हैं कि m वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा माइनस m और यहाँ पर होगा प्लस m बार मैग्नेट, और इसने कोई एंगल दे दिया। अभी हमने एंगल के लिए डिफाइन नहीं किया, इसने हमको कोई एंगल दे दिया, यहाँ से एंगल थीटा। यहाँ पर बताओ हमने क्या कर रखा है, एक्सिस पे निकाल रखा है, हमने इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाल रखा है, लेकिन हमने किसी एंगुलर पोजीशन पे नहीं निकाल रखा। तो ये जो एंगुलर पोजीशन वाला होता है, इसका एक ट्रिक होता है, ये वाला जो m वेक्टर होता है, ध्यान से देखना, ये वाला जो m वेक्टर होता है, इस m वेक्टर के कंपोनेंट ले लेते हैं। इस m वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट लेते हैं, तो इधर का कंपोनेंट बता दो यार, अब तो बड़े हो चुके हो, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये m वेक्टर है, m वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बोलो m cos थीटा, सिंपल सी बात। और इसके परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं, इसी लाइन के परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं, इधर ये वाला वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, ये कौन सा हो जाएगा उसका भाई, m sin थीटा। अब आपको दिख रहा है कि सर ये तो एक और m हो गया, ये एक और m हो गया, तो दो हो गए, सिंपल सी बात। तो इस पॉइंट के ऊपर इस m cos थीटा की वजह से, इस m cos थीटा की वजह से इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, जिस तरफ वो होगा उसकी एक्सिस हो गई है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट माइनस m से प्लस m होती है सर, ठीक है, बोर्ड पर देखते चले जाओ। ये होता है m वेक्टर, ये m वेक्टर के डायरेक्शन में होता है b वेक्टर, सही है, अगर एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो इस m cos थीटा से पूछेंगे, बेटा ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ये तो मेरी एक्सिस है, अच्छा बेटा ठीक है। और m sin थीटा से बोलेंगे कि m sin थीटा बेटा ये क्या है, ये मेरी एक्सिस है,
तो बता कि ये क्या है, तो ये तो मेरी इक्वेटोरियल एक्सिस है। जैसे इससे पूछेंगे कि यहाँ पर एम वेक्टर के अलोंग ये क्या है बेटा, तो बोलेगा कि मेरी एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर पूछेंगे तो बोलेगा क्या है, हम पूछेंगे तो बोलेगा कि ये तो मेरी इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो एम कॉस थीटा के लिए तो हो गई एक्सिस पॉइंट, ठीक है, एम कॉस थीटा के लिए हो गया एक्सिस पॉइंट, और एम साइन थीटा के लिए हो गया इक्वेटोरियल, है ना, एम साइन थीटा के लिए हो गया इक्वेटोरियल। चलिए इसको कर ही लेते हैं, है ना, इसको डिराइव करते हैं, चलो आज की क्लास में ही करते हैं, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम देखते हैं, या फिर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट एट एनी अदर एंगल थीटा, एट एनी अदर एंगल थीटा हमको लेना है मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक्सिस पे देख लिया 2kp बाय आर क्यूब जैसा होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे देख लिया माइनस kp बाय आर क्यूब जैसा होता है। सर ये माइनस kp नहीं आता समझ में मुझे, तो यार लिख लो b अगर एक्सिस पे हम देखते हैं तो कितना होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4π और m बाय आर क्यूब, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। b अगर हम इक्वेटोरियल पे बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4π, 2 नहीं आता इसमें, और m बाय आर क्यू। इसको सजा के यहाँ पे रख लिया, इसका काम आने वाला है। चलिए चलते हैं, इधर की तरफ हमारी बार मैग्नेट थी, यहाँ से यहाँ तक ये बार मैग्नेट, और इधर की तरफ एक m वेक्टर था, ठीक। तो इस बार मैग्नेट को मैं हटा देता हूँ ताकि हमको साफ सुथरा डायग्राम मिले, और इसी बार मैग्नेट से यहाँ से कोई P पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि R दूरी पर है और एंगल थीटा दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा वेक्टर बना रखा है मैंने, ये वेक्टर बना रखा है हमने कैपिटल M वेक्टर, ठीक। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, इसके जैसे ही दो कंपोनेंट करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ M cos थीटा दिखाऊंगा, वो तो आप पहले ही समझ चुके हैं, राइट, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट दिखाऊंगा M sin थीटा। इसको आप M1 M2 भी मान सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये M1 है, और इसको हम बोल देते हैं कि ये M2 है। M1 से पूछा बेटा P कहाँ बैठा है, तो उसने जवाब दिया कि ये तो मेरे एक्सिस पर बैठा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फॉर M1 P पॉइंट इज ऑन एक्सिस, ठीक है, P इज ऑन एक्सिस। फिर हमने पूछा M2 बताओ बेटा किधर है, ये M2 ने बोला देखो ये मेरा तो एक्सिस है इधर, तो ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर देखो ये परपेंडिकुलर जो बैठा होता है वो तो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है, तो P जो है ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो हमने कुछ नहीं, हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, खुद ही बोल रहे हैं M1 M2, राइट, खुद ही बोल रहे हैं कि देखो ये है। M1 ने बोला मेरा एक्सिस, M2 ने बोला कि मेरा एक्सिस में नहीं है कोई भी, तो मेरे इक्वेटोरियल एक्सिस पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब हमको दिमाग लगाना है, M1 बोलेगा कि मेरे डायरेक्शन में ही ले जाओ मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मेरे डायरेक्शन में ही ले जाओ मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना बोलेंगे, B1 बोलेंगे, ठीक है। M2 बोला कि मेरे डायरेक्शन में नहीं होता इक्वेटोरियल एक्सिस में, इधर होता है, ओके, इधर ले लिया, कोई बात नहीं। तो B1 और B2 आपस में 90 डिग्री हैं। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लिया तो काम हो गया, ठीक है। B1 और B2 की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर एक्सिस पे फॉर्मूला लगाना है और एक्सिस किसकी थी बताओ, B1 की, ठीक है। और अगर मेरे को एक्सिस पे फॉर्मूला लगाना है और एक्सिस क्या इक्वेटोरियल एक्सिस पे लगाना है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस तो M2 की थी, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक, यहाँ पर 2, ये B1 है तो यहाँ पर M1, यहाँ B2 है तो यहाँ M2, डैम ईजी। तो B1 B2 की वैल्यू मिल चुकी है। सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये तो मुझे पता ही है, इसका रिजल्टेंट बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और इसका एक नया डायग्राम बनाया जा सकता है, इधर ही लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बना ली, यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये इधर आपने कंपोनेंट्स वगैरह तो ले लिए होंगे, ये देखो यहाँ पर है इधर की तरफ B2 और यहाँ की तरफ है B1, राइट, B1 और B2, और इसका एक रिजल्टेंट यहाँ पर टक 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 इस तरह से बना सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, वैसे B1 की वैल्यू होगी तो ज़्यादा, वो डबल सा कुछ होता है, ठीक है। तो B1 की और B2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू पता है।
ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमारा एम वेक्टर दे रखा था, ये एंगल हमारा थीटा है। कोई पूछ ले कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल थीटा ही है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये हमारा बी वन वेक्टर, ये थीटा। पर बी टू और बी वन का जो रिजल्टेंट है उसको हम बी रिजल्टेंट बोल देते हैं, बी आर बोल देता हूँ मैं, ठीक। इसका कोई एंगल बन रहा है, मान लेते हैं अल्फा, क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो हम इसके अंदर जो सॉल्व करते हैं कि ये बी टू वैक्टर जो है, बी टू वैक्टर को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जो बी टू की लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर भी होगी बी टू, राइट, और ये होगा बी वन। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू रखी जा सकती है बी टू बाय बी वन, और बी टू बाय बी वन, बी टू की वैल्यू पहले ही तैयार है, बी वन की वैल्यू पहले तैयार है, एम वन की वैल्यू पहले तैयार है कि सर एम वन है एम कॉस थीटा और बी टू एम टू है आपका एम साइन थीटा, ये वैल्यूज़ पहले से तैयार हैं। जैसे ही हम ये वैल्यूज़ रखेंगे हमको टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी टेन थीटा बाई टू, ठीक है, कितनी मिलेगी रख के देखना है ना, इसका फाइनल डायरेक्ट आंसर है टेन थीटा बाई टू, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपको थीटा पता हो तो आपको अल्फ़ा पता है, अगर मुझे थीटा पता है तो मुझे अल्फ़ा पता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन ये आ जाता है बी टू बाई बी वन से, राइट। चलिए, तो अगर मेरे को थीटा 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे, और फिर अल्फा को 10 इनवर्स में भी लिखा जा सकता है। हम इसको देखें, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर 10 30 डिग्री को 1 बाई रूट 3 लिख देंगे, और अल्फा को फिर लिखा जा सकता है 10 इनवर्स के अंदर, वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 3। इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है, फाइन, ठीक। सर बी आर होगा कितना, तो बी आर सिंपल सी बात है यार, बी वन बी टू दो परपेंडिकुलर वेक्टर जोड़ने नहीं आते तुमको, आते हैं पहले से, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो बी आर की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। कई लोगों को तो डाइपोल का पता ही चल चुका होगा कि सही, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसे किया था, बिल्कुल ऐसे ही किया था भाई, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है कितनी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यानी कि जैसे कि के लिखा हो उसको ले लेते हैं हम कॉमन, और फिर अंडर रूट में बचता है, टोटल मिलाकर जब बचता है तो बचता है वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी तो हमको बी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको आप खुद कर सकते हैं, 60 डिग्री आपको दे रखा है, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कैपिटल एम आएगा यहाँ पर, और आर क्यू भी तो आएगा, ठीक है, पूरा लिखो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कैपिटल एम बाय आर क्यू, ठीक है, हर जगह आ रहा है एम बाय आर क्यू, तो कॉमन तो आएगी। तो यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, M की वैल्यू, R की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल कर देखना, आंसर आना चाहिए, आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में घोषित कर दूंगा इसको। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको पूरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान मिलते हुए आपको कैसा लग रहा है रोहित मालव सर से, आप प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करें और ठीक है अपना प्यार देते रहें, ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।